तो यार हमारे देश में उत्सव की कमी कतई नहीं होती। जितने उत्सव हमारे देश में साल भर में मनाए जाते हैं ना, उतना घंटा किसी देश में मनाया नहीं जाता। तो यार साल की शुरुआत में अगर कोई सबसे बड़ा उत्सव है तो वो है होली। गान में डालेंगे पिचकारी से भरी हुई रंगोली। तो यार होली एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार सब लोग करते हैं, खास करके लोंडे, क्योंकि साला यही एक ऐसा त्योहार है जिसकी मदद से हम अपने खड़ूस पड़ोसी के दरवाजे की मांच चोट सकते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं उन दोस्तों के बारे में जो साला भिखारी होने की बात करते हैं। मानो या फिर ना मानो, लेकिन हर बिल्डिंग में एक ऐसा दोस्त होगा जो साला अपने दूसरे दोस्त से जाके हर दो दो मिनट बाद थैलियां मांगेगा। ए विक्की, जरा दो थैली देना, वो साला पप्पू की गांड मार के आता। अबे भोसड़ी के, अभी थोड़ी देर पहले तो दो थैलियों को गुच्छा लेके गया था, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। तेरे को मालूम है ना वो साली शीला, साला जब तक उसको दूंगा नहीं, क्या जब तक उसको थैली दूंगा नहीं, वो साली पीछे नहीं छोड़ेगी। तो साले खुद खरीदना, मेरी गांड के पीछे क्यों मर रहा है? तेरे को पता है ना मेरा बाप साला घर पे पैसा नहीं देता, खाने के वांदे, यहाँ पर गांड धोने के लिए पानी भी नहीं है और लुल्ले खड़ा करने के लिए बिप्पी भी नहीं है। साला हर तरह से साला जिंदगी ने मात चोदी है। उसके बाद आते हैं वो लोंडे जो होली के 3 दिन पहले से फुल तैयारी करके बैठते हैं। इसके लिए नहीं कि होली के दिन अपने दोस्तों के साथ फुल मजे करें, ना बल्कि इसके लिए कि होली के दिन सुबह 9 बजे अपनी बाजू वाली से रंग लगाने मिले, उसी बहाने थोड़ा टच्ची टच्ची वाली फीलिंग ले। नहीं यार, ये वही लोंडे रहते हैं जिन्हें अगर तुम बोलोगे कि भाई इस साल होली फुल जम के खेलेंगे, तो यार होली खेलना तो दूर की बात है, ज्ञान की बरसात पहले करेंगे। और फिर यही लोंडे होली के दिन पूरे मोहल्ले की लड़कियों से जो रंग लगा कर आते हैं ना, जिसको देखने के बाद इनके मुंह पर ये बोलने का मन करता है, तो यार अगर होली में कुछ फालतू चीज होती होगी ना तो वह है बच्चे, क्योंकि होली के 2 हफ्ते पहले से बिल्डिंग में हर आने जाने वाले पर थैलियों की बौछार होती है। और अगर गलती से किसी बच्चे को डांट दिया ना, तो समझ जाओ कि सोसाइटी में महाभारत बस शुरू ही होने वाला है। और भेंडीन बच्चों की माए यार कसम से बोलता हूं, अपनी औलाद को तो ऐसा तारीफ करेगी कि मानो इनकी औलाद दुनिया में सबसे साफ है। नहीं यार, पिछले साल की बात थी, मेरे बिल्डिंग के एक लड़के ने सामने वाले टावर में रहने वाले एक लौंडे पर पेशाब से पहली थैली फेंकी। उसके बाद वो लौंडे ने जो सुनाया ना उस लड़के को, कतई उस लड़की की माँ 7वें माले से भाग भाग के नीचे उतरी। और उसके बाद जिस तरह वो लौंडे से बात कर रही थी ना, क्या रे क्यों छोटे बच्चों को रुलाता है, माँ बाप ने ये सिखाया कि बच्चों के साथ ऐसे बात करें। अरे आंटी, आंटी मत बोल, अभी भी जवान हूँ, सोसाइटी में जितने भी लड़के लोग हैं ना, मेरी फेसबुक पिक्चरों को लाइक भी करते और अच्छा अच्छा कमेंट भी डालते, समझा क्या? अच्छा अच्छा मैडम, भड़को मत, लेकिन आपके लोंडे ने मेरे पर पेशाब से भरी थैली फेंकी है, ये देखो अभी तक बास आ रही है। चल चल कुछ भी मत बोल, मेरा लड़का ऐसा घटिया काम कर ही नहीं सकता, मैं अपने सोना को अच्छी तरह से जानती हूँ। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, और क्या, मैं तेरे जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ, खुद गलती करते और छोटे बच्चों पर नाम डाल देते हैं। नहीं यार, मैं लिख के देता हूँ, ये सुनने के बाद उस लड़के के दिल से बस 2 शब्द निकलने वाले हैं। चल बोझड़ी के। तो यार अगर कोई होली में सबसे ज्यादा नखरे करता होगा ना, तो वो है लड़कियां। मानो या फिर ना मानो, अगर किसी लड़की से पूछोगी यार होली का क्या प्लान है तेरा, तो उनका बस एक ही जवाब होगा, नहीं है मुझे होली से एलर्जी है यार, वो जो होली में रंग उड़ाते हैं ना, उससे स्किन, हेयर, गांड तीनों खराब हो जाते हैं यार, आई जस्ट हेट होली यार। और भेंचुत यही लड़कियां होली के दिन कुछ ऐसा काम करते हैं। बस आज के लिए इतना। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रहेगी तो लाइक करना, और अगर तुम लोग को लगता है कि तुमने भी अपने बचपन में इनमें से कुछ कीड़े गंडी गिरी की है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे सोसाइटी में कुछ बच्चे जिन्होंने ऐसा कुछ कीड़े गंडी गिरी की है, तो इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ, अगर शेयर करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तुम लोग लाइक और शेयर करते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुमने मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो करके रहो, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करो, ये रहे 2 मेरे सोशल मीडिया, तो जाओ फटाफट मुझे फॉलो करो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you. Oh my god, they can nigga it. Oh my god, I can't live with it for my pride. They about to kill this shit, I'm a wag. Till I be getting it, nobody digging it. I do not give a shit. Everyone seeking it. No single pick me, killing the fact that a motherfucker like me. It's wrong and rubbish. Hell nah. Single pick me, 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 hell nah. Single pick me.